दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास हुए धमाके में बरामद एक लिफाफे ने दहशतगर्दों के मंसूबों की ओर इशारा किया है। इस लिफाफे के अंदर मौजूद पत्र में धमाके को ट्रेलर बताया गया है। इस पत्र में कहा गया है कि ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फरकजादे की हत्या का बदला लिया जाएगा। बता दें कि सुलेमानी ईरान के सबसे ताकतवर कमांडर थे। पिछले साल जनवरी में अमेरिका ने एक ड्रोन हमले में जनरल कासिम सुलेमानी को बगदाद में मार दिया था। सूत्रों के मुताबिक इस मामले की जांच में इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद भी शामिल हो सकती है। तो दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास जो धमाका हुआ उसके तहत एक लिफाफा मिला है और उसमें दहशतगर्दों के मंसूबों की ओर इशारा हो चुका है, क्योंकि एक पत्र जिसमें मिला है उसमें लिखा है कि ये तो ट्रेलर था। ईरानी सैन्य कमांडर सुलेमानी और ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट मोहसिन फकरजादे की हत्या का बदला लिया जाएगा, ये भी पत्र में लिखा है। और इस खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए राजीव जुड़ गए हैं। राजीव, जिस तरीके से बम मिला है, जिस तरीके से लिफाफा मिला है जिसमें पत्र में साफ तौर पर ईरान का कनेक्शन सामने आ गया है, तो अब क्या कुछ आगे की कार्रवाई जांच एजेंसियां कर रही हैं? जिस तरीके से लगातार जिस तरीके से कल इजरायली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ था उसकी कहीं ना कहीं अब जिम्मेवारी जरूर सामने आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से एक पत्र मिला है और पत्र के अंदर ये स्पष्ट किया गया कि ये तो अभी ट्रेलर था, आने वाले समय के अंदर और भी कुछ हो सकता है। तो मतलब जिस तरीके से कहीं ना कहीं अब संबंध बताए जा रहे हैं कि ये ट्रेलर है और कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आएंगी, मगर जिस तरीके से सुरक्षा एजेंसियों की तरफ बात करें तो सुरक्षा एजेंसियां जरूर तैयार हो चुकी है। यहाँ तक कि पूरी देश के अंदर अब हाई अलर्ट कर दिया गया है। यहाँ तक मुंबई की बात करें या खैर जगहों की बात करें तो लगातार कोशिश की जा रही है कि सुरक्षा व्यवस्था महफूज रह सके, मगर जिस तरीके से वीआईपी एरिया के अंदर इस तरीके का ब्लास्ट होना कहीं ना कहीं सवाल सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर निशान खड़ा करता है। मगर देखना होगा सुरक्षा एजेंसियां हमारी कितनी कारगर है और कितना जो उनकी मंसूबे हैं, यानी कि जो जिस तरीके से लिफाफे के अंदर मिला है या उनकी जानकारी मिली है कि ट्रेलर था, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर रखते हुए सुरक्षा एजेंसियां कड़ी हो गई हैं और कड़ी कार्रवाई करने के लिए तैयार है। जी बिल्कुल, ईरान का जो कनेक्शन सामने आ रहा है राजीव, अगर उसकी बात करें तो इस तरीके के हमले पहले भी आपको बता दें हमला किया गया था और अब एक बार फिर से यह हमला ईरान की ओर से किया गया है, ऐसा कुछ सामने आ रहा है, तो अब उसको लेकर क्या कुछ तैयारी आगे की जा रही है जांच एजेंसियों की ओर से? जिस तरीके से बात करें जांच एजेंसी बिल्कुल तैयार है। यहाँ तक कि सबसे एक टीम इजराइल से यहाँ भी इंडिया दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और वो भी यहाँ के दिल्ली पुलिस के साथ सहयोग करेगी जांच के लिए, मगर जिस तरीके से संकेत मिल रहे हैं वो संकेत अच्छे नहीं मिल रहे और कहीं ना कहीं इशारा साफ है जो दिल्ली पुलिस लगातार तैयार है। यहाँ तक की गृह मंत्रालय की तरफ से भी बैठकें की जा रही है, हर तरीके से कोशिश की जा रही है कि जिस तरीके से कल जो ब्लास्ट हुआ है उसकी कैसे पूरी जांच हो और कहीं ना कहीं जो एक कैसे कैब के द्वारा एक ड्राइवर से भी पूछताछ की जा रही है, क्योंकि जो सीसीटीवी फुटेज के अंदर है कि कैब के अंदर कुछ व्यक्ति आए थे और कहीं ना कहीं उनका स्केच भी बनवाया जा रहा है और ड्राइवर जो है यानी कैब का जो ड्राइवर है उससे भी पूछताछ की जा रही है, मगर लगातार जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है। मगर देखना होगा कि कड़ी सुरक्षा किस तरीके की महफूज कर पाती है दिल्ली पुलिस या दिल्ली स्पेशल सेल। बिल्कुल राजीव, वहीं एक जानकारी मिल रही है कि जहां पर ये ब्लास्ट हो उसके आसपास सीसीटीवी ठीक से काम नहीं कर रहे, तो सुरक्षा के ऊपर ये कड़ा सवाल उठ रहा है फिलहाल। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, जिस तरीके से बात करें सीसीटीवी फुटेज की तो सीसीटीवी फुटेज कुछ जरूर मिले हैं, मगर जो कुछ सीसीटीवी जो थे वो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं वीआईपी एरिया के अंदर अगर सीसीटीवी कैमरे काम नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली पुलिस की तो दिल्ली पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि 26 जनवरी भी अभी कह सकते हैं जनवरी का महीना चल रहा है, 26 जनवरी भी निकली है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस की वहां भी कमजोर नजर आई थी, क्योंकि 26 जनवरी को देखने को मिला था। मगर जिस तरीके से वीआईपी एरिया की बात करें तो वीआईपी एरिया के अंदर भी सुरक्षा जो है वो कहीं ना कहीं खामियां जरूर गिना रहा है दिल्ली पुलिस की, मगर दिल्ली पुलिस अब किस तरीके की कार्रवाई करती है या कितनी बड़ी एजेंसियां काम करती है उसके अंदर वो जरूर देखना होगा। मगर ताबूतों के अंदर अभी तक यही इशारा मिल रहा है कि कहीं ना कहीं बड़े आशंका की घटना भी घट सकती है। जी, इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद को लेकर भी जानकारी मिल रही है कि वो भी शामिल हो सकती है, वो भी अपने तरीके से जांच करेगी, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है आपके पास?
आपने जिस तरीके से इसराइल की जांच एजेंसी है वो भी कहीं ना कहीं दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है और दिल्ली के जो स्पेशल सेल है उनके साथ मिलकर सबूतों को जुटाने की कोशिश करेगी। मगर जिस तरीके से इसराइली दूतावास के बाहर जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं इसराइल के लिए और भारत के लिए दोनों के लिए साबित आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से VIP एरिया के अंदर इस तरीके की चूक होना तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर है। मगर देखना होगा कि इस चूक को कितना दुरुस्त किया जा सकता है, यानी दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी तैयारी कर सकती है। जिस तरीके से उनको लिफाफा मिला, लिफाफे के अंदर कहा गया है कि ये टेलर था, तो कहीं ना कहीं देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी तैयार है और लगातार जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो कितनी तैयार है। मगर एयरपोर्ट और सरकारी विभागों को यानी कि सरकारी बिल्डिंगों को अब चेक कर लिया जाए, यहाँ तक की चेकिंग की जा रही है, हर तरीके की मूवमेंट पर गौर किया जा रहा है। मगर ये सुरक्षा व्यवस्था अगर पहले होती तो कहीं ना कहीं इतनी बड़ी लापरवाही होने से बच सकते थे। जी राजीव, 29-29 कनेक्शन एक साफ आ रहा है, उसको लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास है? 29-29 कनेक्शन से जोड़कर देखा जा रहा है इसको, मतलब ये है कि भारत और इजराइल के जो बीच के जो संबंध है वो लगभग 29 साल हो चुके हैं और 29 ही डेट को इस तरीके का जो कार्यक्रम किया जा रहा था जिसके अंदर कई प्रधानमंत्री मोदी जी शामिल थे और कुछ जैसे कि बड़े नेता भी शामिल थे और कहीं ना कहीं जो सेलिब्रेशन किया जा रहा था वो कहीं ना कहीं 29 से जोड़ा जा रहा था, यानी कि 29 साल हो चुके थे भारत और इजराइल के संबंध को। मगर कहीं ना कहीं जिस तरीके से 29 तारीख को ही ब्लास्ट किया गया है वो साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं रस्ते में जो खटास डालने की कोशिश की जा रही है, इसीलिए इस तरीके से ब्लास्ट किया गया है। राजीव, जो पत्र मिला है उसमें साफ तौर पर नाम लिख दिए गए हैं, जो दो नाम सामने आए हैं ईरान के, उस साफ एक पत्र में खुले तौर पर चुनौती दे दी गई है, लेकिन अब सुरक्षा एजेंसियों को क्या कुछ जांच करनी चाहिए, क्योंकि साफ जो बात सामने की गई है उसके पीछे कितना बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, तो उसको लेकर क्या कुछ फिलहाल अपडेट मिल रही है? जांच एजेंसियां बिल्कुल काम कर रही है, यहाँ तक कि जो पत्र के द्वारा भी संकेत दिए गए वो भी अब जांच का विषय है, क्योंकि देखना होगा दिल्ली पुलिस कितनी बड़ी कार्रवाई करती है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से दिल्ली पुलिस कोशिश करती नजर आ रही है। मगर ये सुरक्षा व्यवस्था अगर पहले करके तो कहीं ना कहीं बड़े कदम जरूर उठते थे, मगर देखना होगा किस तरीके की दिल्ली पुलिस कार्रवाई करती है। जी शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए राजीव। दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास हुए बम धमाके में एक बड़ा खुलासा हुआ है। स्पेशल सेल से जुड़े सूत्रों के मुताबिक बम में अमोनियम नाइट्रेट के इस्तेमाल का अंदेशा है। बताया जा रहा है कि इसमें छोटे छोटे बॉल बेयरिंग का भी इस्तेमाल किया गया। बता दें कि इजरायली दूतावास के पास जिंदल हाउस के ठीक सामने शुक्रवार शाम ये धमाका हुआ, लेकिन वहां CCTV काम नहीं कर रहा। फिलहाल जांच कर रही एजेंसियों ने बाकी जगह के CCTV अपने कब्जे में लिए हैं और जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों को सॉफ्ट ड्रिंक की कैन के कुछ टुकड़े भी मिले हैं। शक है इसके जरिए विस्फोटक तैयार हुआ है। जिस वक्त ये धमाका हुआ तब तक इजराइल दूतावास से लगभग सब लोग जा चुके थे। जिस वक्त धमाका हुआ उस वक्त कोई मूवमेंट नहीं हुआ। बम प्रेशर से फटा है इसलिए सड़क के दूसरी तरफ से कार के शीशे भी टूट गए थे। तो दिल्ली के अब्दुल कलाम रोड पर इजरायली दूतावास के सामने ये जोरदार धमाका, जिससे देश भर में फिलहाल अलर्ट जारी हो गया है। सभी एयरपोर्ट, महत्वपूर्ण स्थापना और सरकारी बिल्डिंगों की चौकसी बढ़ा दी गई है। CISF सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी करेगा। जहां एक ओर मुंबई में अलर्ट जारी किया गया, वहीं दूसरी ओर यूपी के कई जिलों में भी ब्लास्ट के बाद अलर्ट जारी किया गया है। तो आपको बता दें कि सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।